हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस्कुजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं शेजवान पोटैटो वेजेस। ये बहुत ही बढ़िया यम्मी पार्टी स्टार्टर है फ्रेंड्स, बहुत झटपट बन जाता है, तो चलिए बनाते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने पोटैटो वेजेस लिया है और इसको थोड़ा नमक पानी में पारबॉइल कर दिया है और उसके साथ ऑलिव ऑयल, शेजवान सॉस, सॉल्ट और धनिया पत्ता। देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट में ये बन जाता है। तवा गरम हो गया है, फिर उसमें मैंने तेल डाला और ऑलिव ऑयल यहाँ पे हमने यूज किया है, तो जो बहुत हेल्दी होता है। और वेजेस थोड़ा मैंने मोटा रखा है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पारबॉइल कर दिया ताकि कुकिंग में हमारा थोड़ा कम टाइम में ये हो जाएगा। और ये हेल्दी वे में भी हम लोग बना रहे हैं, ये सबको बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। और इसको मैंने 5 से 7 मिनट ऐसे पारबॉइल किया। ज़्यादा आप उसको बॉईल मत कीजिए, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये कच्चा रहना चाहिए, तभी जाके ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसको हम लोग दोनों तरफ से अभी गोल्डन कलर होने तक थोड़ा शैलो फ्राई कर देंगे। करीबन 5 से 7 मिनट हो गए और अब इसको हम लोग पलट देते हैं दूसरी तरफ से भी, थोड़ा गोल्डन कलर होने तक इसको फ्राई कर देंगे। देखिए कितना मस्त कलर आया है। थोड़ा सा मैं नमक ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि शेजवान सॉस में भी नमक है, तो हमें ज़्यादा नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने शेजवान सॉस में गार्लिक डाला था, इसीलिए मैंने इसमें गार्लिक ऐड नहीं किया है। अब ये दोनों तरफ से हो गया है और मैंने इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें मैं अब शेजवान सॉस ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिला देते हैं। शेजवान सॉस का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। घर में बनाना बहुत इजी है फ्रेंड्स, और प्रिजर्वेटिव भी नहीं है और काफ़ी दिन तक आपका फ्रिज में रखने तो रह जाएगा। थोड़ा सा मैं पानी छिटक रही हूँ ताकि ये जो हमारा शेजवान मसाला अच्छे से कोट हो जाए आलू में। देखिए कितना मस्त कलर आया है अब इसमें। और लास्ट में खूब सारा धनिया पत्ता डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा चटपटा फ्लेवर आएगा इससे। और शेजवान सॉस तो तीखा रहता है, उसका तीखापन भी कम हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये अब हमारा बन गया है।